हाथ में लालटेन और टार्च के साथ पीएम मोदी का मुखौटा लेकर हाईवे तलाश कर रहा यह शख्स बार बार पीएम मोदी के मुखौटे से पूछ रहा है आखिर कहां है हाईवे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत का है, जहां एक व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। उस व्यक्ति के विरोध प्रदर्शन करने के अंदाज से कुछ लोग उस पर हंस भी रहे थे और कुछ उसके अनोखे अंदाज की तारीफ भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर हमारी टीम की भी नजर पड़ी और इस वीडियो के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि यह वीडियो बागपत के खेकड़ा कस्बे में रहने वाले समाजसेवी व रिटायर फौजी सुभाष कश्यप का है। जानकारी के अनुसार खेकड़ा के मोहल्ला रामपुर के रहने वाले समाजसेवी सुभाष कश्यप ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के खेकड़ा से लोनी के हिस्से की जर्जर हालत को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। एक हाथ में पीएम मोदी के चेहरे का मुखौटा और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर सड़क की तलाश की, हाईवे पर बने गहरे गहरे गड्ढे दिखाए। सुभाष कश्यप के इस अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करना हमें तो बहुत पसंद आया, लेकिन आपको सुभाष कश्यप का यह अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर उनका यह अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की हालत इतनी बदतर है और इतनी बदतर है कि देश की संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर बागपत जनपद और 20 किलोमीटर दूर लोनी तहसील, जहाँ से ये हाईवे गुजर के जाता है, इस हाईवे की दुर्दशा इतनी हालत ख़राब है कि लोग नरक का जीवन जीने को मजबूर है। हाईवे बनाने के नाम पर सर्विस रोड को भी ख़त्म कर दिया गया, सर्विस रोड भी नहीं है। मैं आदरणीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब से निवेदन करूँगा कि इस हाईवे को आप देख लीजिए। आज मोदी जी को मैंने एक नमूने के तौर पर, पहचान के तौर पर पैदल मार्च करके दिखाया है कि आदरणीय मोदी जी मेरे साथ चलिए पैदल पैदल और बागपत जनपद की खेकड़ा तहसील से गाजियाबाद जनपद की लोनी पुस्ते तक का इतना बुरी हालत है, इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। मैं अपील करता हूँ इसको जल्द से जल्द हाईवे को बनवाने का प्रयास करें। जय हिंद।